हेलो बच्चों, तो ये क्वेश्चन कैट 2022 स्लॉट वन का क्वेश्चन है और इसकी एक बड़ी जबरदस्त ट्रिक है जो मैं आपको बताऊंगा। और उस ट्रिक की मैंने डेरिवेशन भी कर रखी है कि वो ट्रिक कैसे बनी, उसके तीन केसेस जो लगातार कैट, आईपी मैट, एसएससी, बैंकिंग, बहुत सारे एग्जाम्स में आ रहे हैं। तो अगर आपको वीडियो चाहिए, प्राइवेट वीडियो है हमारा 9034064864, इस नंबर पे व्हाट्सएप करके आप वो वीडियो ले सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं एक कैट 2022 का क्वेश्चन जो इन ट्रिक्स के ऊपर बेस्ड है वो आपको सिखा रहा हूं। तो क्वेश्चन क्या है बच्चों, देखिए, ट्रेन ए एंड बी स्टार्ट ट्रेवलिंग एट सेम टाइम टुवर्ड्स ईच अदर विथ कॉन्स्टेंट स्पीड्स फ्रॉम स्टेशन एक्स एंड वाई। तो प्यारे बच्चों, दो स्टेशन है एक्स और वाई। ट्रेन ए एक्स से शुरू हुई, ट्रेन बी वाई से शुरू हुई, तो जब वो एक दूसरे की तरफ आएंगी तो किसी ना किसी पॉइंट जेड पे मिल सकती है। ठीक है जी, मिलेंगी मिलेंगी, ठीक है। ट्रेन ए रीचिस स्टेशन वाई इन 10 मिनट। ट्रेन ए को यहां से यहां तक 10 मिनट्स दे रखा है और ट्रेन बी का क्या दे रखा है, 9 मिनट आफ्टर मीटिंग ट्रेन ए, मतलब जेड पे मिलने के बाद उसे 9 मिनट लगे। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत? और मैंने ये कंसेप्ट इतनी बार बताया, जब दो बॉडीज अपोजिट डायरेक्शन में शुरू होती हैं एक दूसरे की तरफ किन्हीं दो पॉइंट से, जैसे यहां एक्स और वाई से शुरू हो रही है, तो जो उनका टाइम ऑफ ट्रेवल होगा वो सेम होगा। तो टी मिनट में ये इसको जेड पे मिली तो ये भी टी मिनट में मिली होगी। ठीक है, तो इसको ट्रेन बी को क्रॉस करने के बाद 9 मिनट्स लगे, ठीक है, स्टेशन एक्स तक पहुंचने में, और ट्रेन ए को एक्स से वाई तक पहुंचने में पूरे 10 मिनट लग रहे हैं। तो जेड से वाई, जेड से उसको वाई तक पहुंचने में 10 माइनस 3 मिनट्स लगेंगे। मानते हो इस बात को? जेड से वाई तक ट्रेन ए को मिलने के बाद 10 माइनस 3 मिनट लगेंगे। अब मैंने एक ट्रिक बता रखी है जिसकी मैंने डेरिवेशन भी की हुई है। ये जो टाइम होगा मीटिंग टाइम, जिसका स्क्वायर करने पे इन दोनों टाइम्स का प्रोडक्ट मिलेगा, ये ट्रिक है जिससे आपका ये क्वेश्चन बहुत ही छोटा हो जाएगा। किन दोनों टाइम्स का प्रोडक्ट मिलेगा, आफ्टर क्रॉसिंग ईच अदर। ठीक है, इससे क्वेश्चन बहुत छोटा हो जाएगा। इसकी मैंने डेरिवेशंस कर रखी है कि ये ट्रिक क्यों होती है। ये टी स्क्वायर जो है, जो ये मीटिंग टाइम है, क्यों उसका स्क्वायर जो क्रॉस करने के बाद जो टाइम लगा है जेड पे मिले तो उसके बाद उस ट्रेन को 9 मिनट लगे, उस ट्रेन को क्यों होता है ऐसा, इसकी मैंने डेरिवेशन कर रखी है। तो आइए अभी तो ये क्वेश्चन फिलहाल कराता हूं। तो टी स्क्वायर 9 × 10 − t है, तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू 90 − 90 है, तो टी स्क्वायर प्लस 90 − 90 इज इक्वल टू 0। 15 6 90 होता है, 15 t − 60 − 90 इज इक्वल टू 0। तो t कॉमन, तो t+15 − 6 कॉमन, तो t+15 और t − 6, दो चीजों का प्रोडक्ट 0, तो t − 6 0, तो t की वैल्यू 6 आ गई। मतलब ये जो ट्रेन है पहली बार जब मिली थी जेड पे तो 6 मिनट लगे थे उनको पहुंचने में जेड तक, उसके बाद उस ट्रेन को 9 मिनट लगे और उस ट्रेन को 10 − t मिनट लगे, और t की वैल्यू तो 6 आ चुकी है, समझ गए, तो उसको 4 मिनट्स लगे। तो अब क्वेश्चन में लेकिन क्या पूछा हुआ है, क्वेश्चन में ये पूछा हुआ है, देन द टोटल टाइम इन मिनट्स बाय ट्रेन बी टू ट्रेवल फ्रॉम स्टेशन वाई टू एक्स, वाई से एक्स तक इसको कितना टाइम लगा बच्चों। अब ये 6 मिनट यहां तक कैलकुलेट हो गए और आगे उसको 9 मिनट लगे थे, तो ये आ गया 15, समझे बच्चों। और ये जो ट्रिक कैसे डिराइव हुई वो मैंने वीडियो बना रखा है, आप इस नंबर से मेरे से ले लेना। ठीक है जी, पूरे तीन केसेस में आपको दूंगा, जो कैट, एसएससी, बैंकिंग,
सभी एग्जाम्स में बार बार आ रहा है, 90 340 64 864। थैंक यू वेरी मच।